मेन मिशन जो है ये सिटीजन जस्टिस फोरम का, वो आम नागरिक को अवेयरनेस पैदा करना है कि उनके मूलभूत अधिकार जो उन्होंने संविधान ने दिए हैं भारत के, उनके लिए अपने अधिकार के लिए खड़े हो और अपने अधिकार किस तरह से बड़े लड़ाई झगड़ा किए बगैर किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की जो टॉपिक है, जो कल हमने जो किया था रीडेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसको लेके बहुत से सारे क्वेश्चन आंसर्स मुझे आए हैं, व्हाट्सएप चैट पे आए हैं, तो मैं दो तीन चीज को उसको क्लैरिफाई करता हूँ। और आपके कोई भी डाउट्स हो गए तो आप अगर ऑनलाइन हो तो आप अपने नीचे जो कमेंट बॉक्स में है वो क्वेश्चंस डाल दीजिए, हम आंसर करेंगे। लेकिन जो उसके पहले मेरे पास जो तीन चार क्वेश्चंस आए हैं उसका मैं जवाब दे देता हूँ। एक सबसे पहला है IOA और IOD क्या होता है। IOD जो है वो इंटेंट ऑफ डिसअप्रूवल होता है, ये सबसे पहला स्टेप होता है जो बिल्डर को देने में आता है कि इंटेंट ऑफ डिसअप्रूवल। और अगर MMRDA देती है तो MMRDA बोलती है कि IOA दैट इज इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल। लेकिन वो IOD हो या IO है, इट इज ऑलमोस्ट सेम। उसमें मिनिमम 32 कंडीशंस रहती है बिल्डर को कॉम्प्लाई करने की। जब वो कॉम्प्लाई करता है बिल्डर वो कंडीशंस को, तभी उसको कॉमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलती है। पहले बिल्डर जब IOD ले लेता था तो रेरा में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता था। जब रेरा को पता चला कि ये IOD का एक भ्रम में लोग फैलाते हैं और IOD ले लेते हैं, प्रोजेक्ट रजिस्टर कर देते हैं लेकिन उसके बाद में कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं लेते, तो रेरा ने जब तक बिल्डर के पास कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक उसका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं होता है। वो एक बात है, यानी ये IOA IOD वो क्लियर हो गई है। अभी बहुत से लोग मुझे ये सवाल किए थे कि बिल्डर रीडेवलपमेंट में क्यों जाता है, ओपन प्लॉट क्यों नहीं है वे डेवलप करता है। अभी इसमें एक बात समझने जैसी है कि मुंबई के अंदर ओपन प्लॉट्स बचे नहीं है। जो भी ओपन प्लॉट्स थे वो स्लम ने एंक्रोच कर लिए है इलीगली। अभी बचते हैं रीडेवलपमेंट। अगर ओपन प्लॉट की अगर आज मैं कीमत पकड़ता हूँ, चलो एक रिप्लेस वैल्यू जो है वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया था कि मेरी एक बिल्डिंग में मैं एक मेंबर हूँ बैंड्रा के अंदर, हम एग्जैक्ट नंबर पे नहीं जाते, वी जस्ट कैलकुलेट 50 नंबर्स, तो कैलकुलेशन में इजी होगा। वो 56 है या 58 है उससे कोई मतलब नहीं है, फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पज टू अंडरस्टैंड कि ये अर्थमेटिक्स क्या है। अभी आज वो बिल्डिंग के अगर मैं 50 फ्लैट की वैल्यूएशन करता हूँ, उसमें 1 BHK भी है 2 BHK भी है, बड़े और छोटे हैं, तो 3-3.5 करोड़ का एक फ्लैट होता है छोटा वाला, बड़ा वाला 5.5-6 करोड़ का होता है। तो ऑन एन एवरेज मैं अगर 4.5 या 5 करोड़ पकड़ लेता हूँ उसकी वैल्यूएशन आज की तारीख में, तो 50 फ्लैट की कीमत होती है 250 करोड़ रुपया। अगर बिल्डर को वो बिल्डिंग खरीदनी है तो एक एक इंडिविजुअल वो फ्लैट खरीदेगा, 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर डिमोलिश करेगा और फिर नया टावर बनाएगा। दैट इज वन कंडीशन। जबकि रीडेवलपमेंट के अंदर वो 1 साल का भाड़ा आपको एडवांस देता है। जैसा मैंने कल बताया था कि 80,000 या 1 लाख रुपया, हम लाख रुपया पकड़ के चलते हैं, तो 50 फैमिली के हो गए 50 लाख रुपया महीने के, 12 महीने के हो गए 6 करोड़ रुपया। 6 करोड़ रुपया वो आपको दे देता है और 250 करोड़ रुपये की जो आपकी जो वैल्यू है वो ज़मीन की, उसका वो मालिक बन जाता है, आपसे DA साइन करवा लेता है, आपसे पावर ऑफ अटर्नी ले लेता है और काफ़ी सारे MOU ये वो करके, यानी आपके हाथ काट के ले लेता है वो बिल्डर के पास। अभी हम दूसरा पहलू देखते हैं, जो 250 करोड़ में उसको जो चीज़ मिलने वाली थी 250 करोड़ रुपया डाल के, वो आज 6 करोड़ में आपसे ले लेता है। फिर वो IOD और जो डीलर डेवलपमेंट के जो प्लान्स वगैरह वो जो वो करता है, तो उसके अंदर उसको दूसरे 3-4 करोड़ रुपए जाते हैं, समझो 6 करोड़ और पकड़ लो, 3 करोड़ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, ये सब पकड़ के 15 करोड़ के अंदर वो आपकी बिल्डिंग डिमोलिश कर देता है। अभी मीन टाइम जब वो बिल्डिंग डिमोलिश करता है, उसके बाद एक आ जाता है IOD के बाद वो बिल्डिंग डिमोलिश करता है। अब बिल्डिंग डिमोलिश होने के बाद में या
वो शुरुआत में वो अपना माल बेचने लगता है मार्केट के अंदर, प्राइवेट के अंदर। तो अगर उसको वो वहाँ पे अगर उसका माल बिक गया तो ठीक है, माल नहीं बिका तो एक साल के बाद में आपको ना रेंट मिलेगा ना आपको आपका फ्लैट मिलेगा। यानी जहाँ आप 40 साल से रह रहे हो अच्छी सोसाइटी में, अच्छे नेबर्स के साथ में रह रहे हो, वो आपको छोड़ना पड़ेगा और आपका टेंशन बढ़ जाएगा। ये हुआ है, आप देखोगे ना मैक्सिमम स्टॉल प्रोजेक्ट जो हुए हैं वो रीडेवलपमेंट में हुआ है। डीएन नगर का आप पकड़ लो, मैं बिल्डर्स के नाम नहीं देना चाहूँगा लेकिन अगर डीएन नगर बोलूँगा आप गूगल में टाइप कीजिए डीएन नगर स्टॉल प्रोजेक्ट, आपको पता चल जाएगा कि कौन बिल्डर था, उसने कितनी ओवर ट्रेडिंग की, राइट। तो ये सब आपको पता चल जाएगा कि ये ओवर ट्रेडिंग का जो बिजनेस है वो क्या है। तो आप समझ लो कि 250 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्डर सिर्फ 15 से 20 करोड़, इवन नॉट इवन द 10% के कम में वो आपसे हत्या लेता है, और आपके पैसे से, यानी आपके जो घर है वो छत के रिस्क के ऊपर वो अपना मुनाफा कर रहा है। तो उससे मैं समझता हूँ कि उससे बेटर है कि हम सेल्फ रीडेवलपमेंट मॉडल में जाए। गवर्नमेंट काफ़ी सारे अभी रिलैक्सेशन और इंसेंटिव्स निकालेगी ताकि आप रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट कर सको। दूसरी एक बात ये मुझे बतानी है कि हमको जो रीडेवलपमेंट का सपना आता है, यानी सपना दिखाने में आता है, कितने प्रोजेक्ट आप रिसर्च करो गूगल में जाके, आजकल सब ईजी है, कि कितने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं बिल्डर के और कितने स्टॉल प्रोजेक्ट है, आप उसका होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसा पहले बताया था कि रीडेवलपमेंट में तीन चीज़ें ज़रूरी है, एक तो कन्वेंस सोसाइटी के नाम पे होना चाहिए, प्रॉपर्टी कार्ड सोसाइटी के नाम पे होना चाहिए, और एक BMC का रिपोर्ट होना चाहिए। जब तक ये रिपोर्ट अगर आपके पास नहीं है और आप MOU करके दे देते हो तो आज की तारीख में बिल्डर 1-2 करोड़ रुपया आपको कॉर्पस फंड भी दे देगा, आपकी सोसाइटी को लॉक कर देगा और काम कुछ भी नहीं करेगा। वो बोलेगा आपका कन्वेंस नहीं हो रहा है, कन्वेंस में ये दिक्कत आ रही है, उसके बाद में प्रॉपर्टी कार्ड में नाम चढ़ रहा है। अभी मेरे पास एक बिल्डर है, मैं वो बिल्डर का नाम ओपनली दूंगा क्योंकि उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बहरामबाग में उसने बिल्डिंग बनाया, रीडेवलपमेंट किया उसने, उसका वो बिल्डर का नाम है प्राइम बिल्डर्स। उसने हर चीज फायर NOC लेके आया और वाटर कनेक्शन लेके आया, इलेक्ट्रिसिटी लेके आया, एविएशन की एयरपोर्ट अथॉरिटी की NOC लेके आया, एवरीथिंग इज देयर ऑन पेपर। उसने बिल्डिंग बनाया, जो रिहैब कंपोनेंट था उसको भी दे दिया, कोई भी कंप्लेंट नहीं, सेल कंपोनेंट को दे दिया। अब जब वो फुल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए जब उसने कंप्लाई किया तो उसके पे रिमार्क आया कि जब उसने रीडेवलपमेंट स्टार्ट किया था तो सोसाइटी के साथ एग्रीमेंट किया था, तभी सोसाइटी ने ये आश्वासन दिया था बिल्डर को कि हम प्रॉपर्टी कार्ड में नाम लेके आएंगे, हमारा बिल्डर के साथ में जो पुराने वाले जो बिल्डर है के साथ में हमारा व्यवहार अच्छा है वो दे देगा। अभी बिल्डिंग कंप्लीशन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट डालने के बाद में वो लोग एक चेकलिस्ट के हिसाब से पहले देखते हैं, फायर NOC ऑब्टेंड, ये ऑब्टेंड, एनी असेसमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग, यस इट इज़ ऑल क्लियर, ऐसा करके जितने भी थे सब ठीक कर दिए। लेकिन उन्होंने एक अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लिखा था कि जब हम ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई करेंगे तभी हम प्रॉपर्टी कार्ड हमारे नाम पे होगा, वो अंडरटेकिंग दिया था। अब वो अंडरटेकिंग, अभी वो जो प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर जिसका नाम है वो इस दुनिया में नहीं है। अब बिल्डर को मिला है पार्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, नीचे की दो शॉप का उन्होंने होल्ड करके रखा है, उसने पोजेशन दे दिया। अब वो शॉपकीपर जो है वो उनके ऊपर केस कर रहा है कि आपने अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो हमें किराया दीजिए, जबकि वो शॉप वाले ने भाड़े पे दे दिया है और किसी को वो भाड़ा कमा रहा है, उसके ऊपर GST है, सब कुछ नंबर ले लिया है, ही इज हैविंग ऑल द इनकम। बट ये टेक्निकली ग्लिच के बाद में उसने जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है उसके लिए वो दो शॉपकीपर्स ने उसको
कोर्ट में ले दिया है और कोर्ट में अभी चलता है। आज ये पहला साल है, ऐसे 3-4 साल और निकल जाएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम आने वाले हैं अगर आपने कोई शॉर्टकट किया तो। अभी हम चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन था आईओडी आईओए का, जो मैंने क्लियर कर दिया। फिर व्हाई बिल्डर प्रीफर रीडेवलपमेंट और बाइंग एन ओपन प्लॉट, वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि ओपन प्लॉट अभी मिलते नहीं है। अगर ओपन प्लॉट की अगर वैल्यूएशन पकड़ेंगे तो वो वैल्यूएशन 200-250 करोड़ की होगी, और 200-250 करोड़ के जगह पे अगर 15-20 करोड़ में वो 200-250 करोड़ का प्लॉट उसको मिल जाता है तो कौन सा सौदा बेटर रहेगा? ऑफकोर्स रीडेवलपमेंट का। कैन सोसाइटी ऑफ फॉर रीडेवलपमेंट इवन इफ द स्ट्रक्चरल रिपोर्ट डज नॉट रिकमेंड इट? No, a society will be required to get necessary permission from the all the concerned authorities. यानी सबसे पहले अगर सोसाइटी क्या अगर बिल्डिंग वेल मेंटेन्ड है, इवन दो 30 ईयर्स उसके ऊपर हो गए है और डिलेपिटेड नहीं है, तो सोसाइटी को रीडेवलपमेंट में जाना मुश्किल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि म्यूनसिपालिटी से भी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी कि यस, ये बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल ऑडिट किया है और इंजीनियर ने ये सजेस्ट किया है कि ये C1 कैटेगरी में जाने वाली है या C1 कैटेगरी में चली गई है, और दिस इज अ रिस्क टू लाइफ, सो यू हैव टू वैकेट द बिल्डिंग एंड रिस्टोर इट अगेन और यू गो फॉर द रीडेवलपमेंट। तो ये एक बात हो गई। देन वॉट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रीडेवलपमेंट? अभी रीडेवलपमेंट सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि एक रूम एक बेडरूम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अच्छी एमिनिटीज मिल जाएगी, राइट? लेकिन आज अगर मैं वो फ्लैट का अगर मेंटेनेंस 3,000 रुपया दे रहा हूँ, रीडेवलपमेंट के बाद वही 7,500-8,000-9,000-10,000 रुपया मुझे महीने का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यानी आज के मेंटेनेंस के हिसाब से जो अगर रीडेवलपमेंट है, और सपोज इनकेस मैं रिटायर्ड लाइफ लेता हूँ, मैं बैंक में नौकरी किया हूँ मैनेजर एज एन मैनेजर या एज एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर मैंने रिटायर्ड किया हूँ, तो अभी मेरी जो इनकम है वो लिमिटेड है, वो मैंने बजट कर दिया हूँ कि इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा, इतना मेरा मेंटेनेंस जाएगा, इतना मेरे खाने पीने में जाएगा। अगर ये चीज में अगर मेरा बजट हेवायर हो जाता है, मुझे 3,000 की जगह पे अगर 7,500 रुपया मेरे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा एज एन सीनियर सिटीजन, मेरे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू पुट अ वेरी बिग होल इन माई पॉकेट। तो ये डिसएडवांटेज है एक बड़ा रीडेवलपमेंट का। और एनी लकुना इन प्रिपेरेशन ऑफ रीडेवलपमेंट डीड, यानी रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट जो बनाते हैं उसके अंदर आपने अगर बिल्डर के एडवोकेट या बिल्डर के फेवर वाली PMC से आपने काम करवा लिया, तो वो जो एग्रीमेंट बनेगा वो बिल्डर के फेवर में बनेगा, बिल्डर के एडवांटेज में बनेगा, और आपके लिए अनड्यू एडवांटेज रहेगा या डिसएडवांटेज रहेगा, और आप बड़ी मुसीबत में आ सकते हो। वुड रिजल्ट इन ए ग्रेट लॉस टू द मेंबर्स हु आर एलिजिबल फॉर मेनी पर्क्स इन कंसिडरेशन ऑफ गिविंग परमिशन फॉर द प्रोजेक्ट, यानी एज एन मेंबर आई विल बी इन अ वेरी ग्रेट लॉस। फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव अप पोजेशन ऑफ देयर फ्लैट्स विच डिस्टर्ब्स देयर एज ओल्ड रूटीन, यानी अगर मैं समझो आज 60-70 ईयर्स का हूँ, 60 साल के बाद मैंने मेरे लाइफ में मैंने रिटायर ले लिया हूँ और रिटायर्ड लाइफ ले रहा हूँ, और मेरी रूटीन एक सेट है कि सुबह उठ के मैं रोज बैंडस्टैंड पे नीचे वॉक करने जाता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर आराम करता हूँ, फिर कुछ मेरे एरेंड्स है बैंक में जाके, फिर आता हूँ, फिर लंच करता हूँ। तो जब मैं रीडेवलपमेंट में जाऊंगा तो ये अभी मुझे नए फ्लैट लेने पड़ेंगे, जैसा मैंने बताया कि अगर मेरी जो स्ट्रीट अगर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 2,000-3,000 फैमिली रहती है, और हर दूसरी बिल्डिंग इज टॉकिंग अबाउट गोइंग फॉर अ रीडेवलपमेंट, तो क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगी और जो रीडेवलपमेंट में जाने वाले हैं, जैसा अगर समझो मैं जाता हूँ तो मैं आई विल नॉट गो एनीवेयर आउट मीरा रोड या अंधेरी जाके बोरीवली जाके नहीं रहूंगा, बिकॉज आई एम लिविंग इन बैंड्रा, सो आई वुड प्रीफर अ प्लेस इन बैंड्रा। तो सेल वहाँ पे जो रेंट के जो लीज के जो फ्लैट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो देर इज गोइंग टू बी एन इम्बैलेंस, राइट? रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस इफ एनी कन्वर्टेड टू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आर सेल्डम प्रीफर्ड फॉर हाउसिंग प्रॉपर पर्पसेस एंड ड्वेलिंग्स। यानी क्या होता है, बहुत से बाद में बिल्डर ऊपर रेसिडेंशियल बनाता है, नीचे कमर्शियल कर देता है, नर्सिंग होम लेके आता है,
डिमांड को लेके आता है, कुछ ना कुछ लेके आता है उसके कमर्शियल हो करने के लिए। और वो जो एक हम जो शान से रहते थे कि भाई दिस इज ओनली अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज भी हो जाती है, तो वो आगे चल के आपको तकलीफ देने वाली है। एडिशनल व्हीकल्स बढ़ जाएगी, चलो पार्किंग भी साथ में बढ़ जाएंगी, द टैक्स बर्डन इज हाई एंड इन केस ऑफ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ओसी इज नॉट ऑब्टेन्ड, म्यूनसिपल चार्जेस वाटर चार्जेस आर हाई। यानी हमारा जो टैक्स बर्डन, जो मैंने पहले ही बताया था कि जो 3-3.5 हज़ार का जो मेंटेनेंस है वो पहुंच जाएगा 7,500-8,000 रुपया, प्लस टैक्सेस हाई हो जाएंगे। और इन अगर उस पर बिल्डर ने अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लेके आया तो यू हैव टू पे मोर फॉर द प्रॉपर्टी टैक्स एंड मोर फॉर द वाटर चार्जेस। एडिशनल एरिया रिसीव्ड विल अट्रैक्ट स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस एट करंट मार्केट प्राइस। ये हमें बिल्डर के साथ में डील करना पड़ेगा कि अगर मुझे एडिशनल मार्केट एडिशनल एरिया देता है तो उसके में स्टैम्प ड्यूटी अगर आएगी तो देट विल बी योर लाइबिलिटी, आई एम नॉट गोइंग टू पे। और PAAA का अभी जो गवर्नमेंट ने नया जो सर्कुलर निकाला है, इट इज हार्डली 1,000 rupees फॉर रजिस्टरिंग अ PAAA एग्रीमेंट। देर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ हाफ वे स्टॉल प्रोजेक्ट एज रिजल्टिंग इन कोर्ट केसेस। अभी कोर्ट केसेस कैसा होता है, बहुत एकदम सिंपल चीज है। आज मैं अगर चेयरमैन हूँ या मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं ट्रेजरर हूँ ये कमिटी मेंबर का, और मेरा बिल्डर के साथ में रेपो जम जाता है, बिल्डर मुझे बोलता है कि आप कैसे भी करके ये प्रोजेक्ट मुझे दिलाओ, मैं आपको समझ लूँगा, मैं आपको देख लूँगा, वो देखने के चक्कर में वो बाकी के 50 मेंबर जो सोसाइटी के या 200 मेंबर जो सोसाइटी है उसके साथ में वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है उसके इंटरेस्ट में, और सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, वो ग्रीडी बन जाता है, और वो ग्रीडी बनने के चक्कर में बाकी जितने मेंबर्स है उसकी लाइफ जो है वो मिजरेबल करता है।